दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह नैनो यूरिया संयंत्र समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, कई सार्वजनिक समारोह में भी लेंगे हिस्सा। अब है चौटाला की भी बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट में 28 और 30 मई को होगी आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई। 5 साल में आय से 119 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति बढ़ाने का है मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की सूची, दावेदारों का पैनल नड्डा के पास, 10 जून को होने हैं चुनाव। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग है या फवारा, 30 मई को देश के सामने आएगा सच, जारी होगा वीडियो। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज से सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की लगाई गुहार। यासीन मलिक की सजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने उठाया सवाल, तो भारत ने जमकर लगाई लताड़, विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवाद को उचित ठहराने की ना करें कोशिश। धामी के समर्थन में उत्तराखंड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, चंपावत उपचुनाव में करेंगे प्रचार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में कोरोना से जूझ रहे राज्यों में सिक्किम ने हासिल की जीत, 2 साल बाद कोरोना से मुक्त होने वाला पहला बना राज्य। देश भर में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मामले आए सामने, 24 घंटे के दौरान 33 मरीजों ने तोड़ा दम। दक्षिण प्रशांत में चीन ने 9 और द्वीपीय देशों पर डाले डोरे, बढ़ जाएगा शीत युद्ध और विश्व युद्ध होने का खतरा। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को मिली भारतीय मदद, श्रीलंकाई पीएम विक्रम सिंघे ने भारत को कहा धन्यवाद।